हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल नहीं, सर्कल, गोला वाला सर्कल, इसकी बात करेंगे। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सर्कल हम लोग डेली लाइफ में कई जगह देख लेते हैं, जैसे फाउंटेन के सर्कल होता है, मंदिर का गुंबद सर्कल टाइप का होता है। तो सर्कल के बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हम वो कैलकुलेट्स कर पावे। इसके अलावा हमें सर्कल की रेडियस पता होनी चाहिए, डायमीटर पता होनी चाहिए, इक्वेशंस पता होनी चाहिए। और हमारे सिलेबस में 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल है, उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं आना चाहिए। लेंदी क्वेश्चन होते हैं, 2-3 पेज के होते हैं, बट ईजी होते हैं, तो वो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा ताकि हम एग्जामिनेशन में पास हो पाए, नहीं तो पास होना भी समस्या हो जाएगी, है ना। तो रहे लाइव मेरे साथ जूम पर पढ़े, जहाँ पर डाउट सोल्व भी हो जाएंगे आप लोगों के। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, उसमें मुझसे बात कर सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो में कुछ और चाहिए, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो मुझसे, तो भी मेरे से बात की जा सकती है। समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, सभी को शेयर करो। और मैं ये गारंटी लेता हूँ, यूट्यूब के वीडियोज़ भी देखने के बाद भी आप फेल नहीं होगे, टॉप कर सकते हो अगर ढंग से देख रहे हो तो। ठीक है, कहीं समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ कि सर समझ में नहीं आया है, और आप रिपीट करके वापस देख लो तो समझ में क्लियर आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से सब कुछ पढ़ाया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम सर्कल के बारे में देख लेते हैं, फॉर्मूले देखेंगे। अच्छी बात यह है कि सर्कल में बहुत ही कम फॉर्मूले है, उनके हेल्प से सब कुछ हो जाता है। तो तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और सर्कल की तरफ कूद रहे हैं। सर्कल के समुद्र में जंप लगाने के लिए तैयार हो गए हैं आप लोग, तो जंप लगा लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम सर्कल के फॉर्मूले की बात करेंगे ना। फॉर्मूले देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि सर्कल, जानते हो किस तरह से होता है ये? बनो एक सर्कल, ये एक सर्कल मिल जाए, इतना प्यारा सर्कल बना है ना, अच्छा सर्कल बना लेता हूँ। मैंने नहीं बनाया, सॉफ्टवेयर में बनाया, मेरे से पता नहीं है। ये क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर बोलते हैं हम। सेंटर के कोऑर्डिनेट जो होते हैं, हम जो एज्यूम करके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं हमारे क्वेश्चन में -g, -f, बताऊंगा क्या होता है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर जो स्ट्रेट लाइन आती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। हम जो रेडियस लेंगे वो क्या लेंगे, r = √g² + f² - g² + f² - c। ये दो चीजें हमारे काम की होती है, हम जो पढ़ते हैं ना। बाकी जनरली सर्कल का सेंटर ओरिजिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ओरिजिन के आसपास बनाऊं तो ओरिजिन होगा। इस तरह से इस सर्कल के सेंटर अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर भी एक सर्कल बनाया जा सकता है, इसका सेंटर यहाँ कुछ होगा, यहाँ पर भी बनाया जा सकता है। लेकिन हम जो एक जनरल इक्वेशन मानते हैं उसके हिसाब से -g - f सर्कल का सेंटर हम बना के चलते हैं, और रेडियस का फॉर्मूला ये मान के चलते हैं, ठीक है। अब इसमें दो तरह के, 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे बेसिकली। एक क्वेश्चन ये आएगा, सर्कल का सेंटर और रेडियस आपको गिवन होगा और आप लोगों को सर्कल की इक्वेशन निकालनी होगी। ध्यान से सुनना, कितने तरह के क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन क्वेश्चन पैटर्न नंबर वन, ध्यान। पहला क्वेश्चन इस तरह से आएगा, हमें क्या गिवन होगा, आर गिवन होगा, आर मतलब रेडियस गिवन होगी, सी मतलब सेंटर गिवन होगा, और हमसे इक्वेशन पूछेगा। वो क्या पूछेगा, इक्वेशन पूछेगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, इक्वेशन गिवन होगी और हमसे पूछेगा आर निकालो सर्कल का और सी निकालो सर्कल का। ये 3-3 नंबर वाले की बात कर रहा हूँ ना, रिमार्क्स या ऑब्जेक्टिव में। और तीसरे तरह का क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर्कल बना दिया मैंने, ये बनाया मैंने, अच्छा सर्कल बनाऊ रेड कलर का, ये सर्कल बनाया मैंने। अब ये 3 पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट ये दे दिया, एक पॉइंट ये दे दिया, एक पॉइंट ये दे दिया। तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन बताओ, इसके रेडियस निकालो और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट भी निकालो। तो ये लेंदी क्वेश्चन होता है, ये 8 to 10 मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स या 10 मार्क्स का। क्या कह रहा है, 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल की इक्वेशन निकालो, रेडियस निकालो, सेंटर निकालो। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास बेसिकली, ये थर्ड टाइप हो गया। तो किस तरह से फॉर्मूले अप्लाई करने, कैसे पहचानना है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसा मैंने पिछले स्ट्रेट लाइन में बताया, इसी तरह से यहाँ पर भी पहचानने कुछ तरीके हैं तो हो जाता है, पहचानने तरीके हैं तो हो जाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, सेंटर जो है ओरिजिन पर है, सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है, वो हो जाता है x² + y² = a² ये क्या है, यहाँ पे रेडियस है और यहाँ पर सेंटर क्या है, ओरिजिन है, मतलब 0 0 है। ये यहाँ पर जो पास आएगा ना सर्कल, बिल्कुल सेंटर में वो वाला होगा। जैसे मैं यहाँ पर बनाऊ एक, इस लाल वाले सर्कल की इक्वेशन वो पूछेगा, तो उसमें क्या हो रहा है कि सेंटर क्या ओरिजिन हो जाएगा और रेडियस यहाँ पे है ही ये,
उसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब वो पूछ रहा है कि क्या कह रहा है कि एक और शेप बनाता हूँ, शेप अच्छे बन रहे हैं इसमें। इस सर्कल का आपको क्या देगा, वो सेंटर दे देगा, सेंटर दे देगा एच कोमा के, क्या दे देगा एच कोमा के, रेडियस क्या दे देगा ए। इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हो। देखो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला। अगर किसी सर्कल के सेंटर दे रखे हैं, रेडियस दे रखी है, इक्वेशन पूछेगा तो ये वाला लगाना है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, रेडियस सेंटर दे रखा है, इक्वेशन पूछेगा तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको करते हैं हम डब्बे में पैक, ये भी हो गया हमारा, जो होता रहेगा उसको पैक करते चलेंगे, दिमाग में पैक हो गया। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। जब हमें कहे इक्वेशन दे रखी है तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके सेंटर रेडियस निकालना होता है। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, दो चार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह आप लोगों को ये जनरल इक्वेशन याद रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ होता है, और रेडियस क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट, जो मैंने पहले बताया था। ये सेकंड टाइप में काम आता है, जहां पर इक्वेशन दे रखी होती है, रेडियस और सेंटर पूछता है, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आता है। इसके अलावा तीन पॉइंट से पास हो रही है, वो सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में जनरल इक्वेशन काम आता है। तीन फॉर्मूले पढ़े, ओरिजिन वाले सर्कल का, किसी अदर वाले सर्कल का जहां पर ओरिजिन से अलग है, और एक जनरल इक्वेशन। इन्हीं तीन फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। डाउट क्लियर, सेम पेज पे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं पे हो, समझ में आ गया तो सेम पेज लिखो, लाइक कर दो, और आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। चल क्वेश्चन पे चलेंगे, कुछ फर्स्ट और सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में करा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, बड़े वाले टफ वाले क्वेश्चंस पे। अभी क्या कह रहा है ये क्वेश्चन पूरा, ये इस तरह से है कि आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, हमें क्या निकालना है, इसकी सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, हमें क्या फाइंड करना है, सेंटर एंड रेडियस हमें फाइंड करना है इसका, सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। मैं लिख रहा हूँ वैसे क्या वैसे लिखना है हमको, देखो मैं जैसे जैसे लिखता जा रहा हूँ बताता जा रहा हूँ वैसे करना है। वेरिएशन लेट द वेरिएशन, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है, लेट द वेरिएशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जनरल इक्वेशन प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये होती है जनरल इक्वेशन। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करूंगा मैं ना, जो मेरे को गिवन है, तो गिवन यहाँ पे उतारू, इससे कंपेयर करनी है। इक्वेशन नंबर वन दे दो, और इक्वेशन नंबर टू मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इधर इक्वल टू जीरो चाहिए, माइनस वन इक्वल टू जीरो। कंपेयर करूंगा इक्वेशन वन और टू, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, हाँ लिखो कंपेयरिंग, इसी तरह करना है ना, कंपेयरिंग। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इक्वेशन वन एंड टू। चलो यहां पर दिख रहा है एक्स और वाई स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशियंट नहीं होना चाहिए, अगर मुझे कंपेयर करना है यहाँ से, ये कोफिशियंट हमें गायब करना पड़ेगा। तो क्या करूँ, फोर कॉमन ले लू सभी में, या फिर फोर से डिवाइड कर दू। और अगर मैं कॉमन लेता हूँ इक्वेशन टू में, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर इज इक्वल टू जीरो। और कॉमन ले लिया या फोर से डिवाइड कर लिया, ये मान लो ये इक्वेशन आएगी इक्वेशन नंबर तीन। अब अपन इक्वेशन तीन और दो को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर इक्वेशन वन एंड थ्री, कंपेयर इक्वेशन वन एंड थ्री। अब कंपेरिजन किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे कोफिशियंट नहीं है और यहाँ पे भी कोफिशियंट नहीं है, तो सेम इक्वेशन हमें बनानी थी, बना दी। अब कंपेयर करेंगे वन एंड थ्री को, तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ एक्स का कोफिशियंट क्या है, टू जी, एक्स का कोफिशियंट क्या है, टू जी, और यहाँ एक्स का कोफिशियंट है नहीं है तो जीरो हो गया। वाई का कोफिशियंट क्या है, टू एफ, यहाँ पे y का कोफिशियंट क्या है, नहीं है तो जीरो हो गया। इसी तरह c क्या है, c माइनस वन बाय फोर है कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अब
जनरल इक्वेशन से सेंटर क्या होता है? सेंटर फ्रॉम जनरल इक्वेशन क्या जानते हैं हम, माइनस जी कोमा माइनस एफ। जी क्या आया मेरे पास, जी भी जीरो है और एफ भी क्या आया, जीरो आया है, तो ये मेरा क्या आ गया सेंटर, ई एन, एक आंसर हम लोग ले आए। अब दूसरा बात आ रही है कि सर्कल के रेडियस की, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ जी क्या है मेरे पास, जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर माइनस सी, ये माइनस वन बाय फोर। क्या हो जाएगा, रूट वन बाय फोर, तो वन बाय फोर क्या होता है, वन बाय टू। ये क्या आ गया मेरे पास, सर्कल का सेंटर आ गया। तो मेरे पास दो आंसर क्या आ गए, ये तो आ गया सेंटर, ये क्या आ गया रेडियस। ठीक है, इसी तरह करना है हमें ना, क्या किया मैंने, जो इक्वेशन दे रखी है उसको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज करो और कंपेयर कर दो। कंपेयर करते जीएफसी मिल जाएगा, जीएफसी मिल जाएगा, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। सेम पेज पे हो, समझ में आया तो कमेंट करो, थम्स अप बनाओ, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं ना, सेकंड क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। लिख लो यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। सेंटर और रेडियस निकाल दो भैया, सेंटर भी निकाल दो और रेडियस भी निकाल दो, तो निकाल देते हैं, अभी कर देते हैं। जनरल इक्वेशन क्या है, लेट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको इसमें अरेंज करना है, तो इक्वल टू में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। अब कंपेयर कर दो, यहां लिख दो कंपेयर, चलो करें। तो यहां पर 2g, x का कोफिशियंट 2g है, यहां पर x का कोफिशियंट कितना है, माइनस का 12, 2f, y का कोफिशियंट 2f है, यहां पर y का कोफिशियंट कुछ है ही नहीं, c, यहां पर कांस्टेंट c है, यहां पर कांस्टेंट कुछ है ही नहीं। तो अब मेरे पास सेंटर क्या आ गया बता दो भैया, कमेंट में बताओ सेंटर क्या है, यहां से g क्या आ जाएगा, g बराबर आ जाएगा माइनस का 6। देखना सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है भैया माइनस का g कोमा माइनस का f। ठीक है, तो माइनस का g, ये माइनस फॉर्मूले का और g आया, कोमा माइनस का 0, ये हो जाएगा फाइनली 6, 0। ये क्या आ गया सेंटर। रेडियस क्या होता है, रेडियस जानते हो आप लोग, रेडियस क्या है, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। करें तो रूट ऑफ जी स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास, 6 का स्क्वायर 36, एफ जीरो है, सी भी जीरो है, क्या हो जाएगा 6, तो आर क्या आ जाएगा 6, आर आ जाएगा 6। तो मैंने क्या निकाल लिया, आर भी निकाल लिया, सेंटर भी निकाल लिया, यही मुझे चाहिए था। इतना आसान है, देखो तीन नंबर में आएगा, तीन नंबर से ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा करता है और एक नंबर पास कराता है, ये बात दिमाग में क्लियर रखनी है हमें, एक बूंद बूंद से घड़ा भरेगा और एक एक नंबर पास कराएगा। ये तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन हुआ, एक और दो क्वेश्चन और फर्स्ट टाइप के करा देता हूँ, फिर बड़े क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया है तो लाइक कर दो, थम्स अप भेज दो, तो आगे बढ़ू मैं। चलो सेकंड टाइप का क्वेश्चन, इक्वेशन दे रखी केंद्र और त्रिज्या निकालो, इक्वेशन दे रखी केंद्र और त्रिज्या निकालो, तो बड़ा वाला ही कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है हमसे, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैंने क्या कहा था, सर्कल की इक्वेशन पूछेगा, सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, सेंटर ये दे रखा है, ए कोस अल्फा, ए साइन अल्फा, रेडियस क्या दे रखी, ए दे रखी है। तो इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने बताया था क्या फॉर्मूला लगेगा, सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या लगेगा, हम जानते हैं अगर मेरा ये एक सर्कल है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, ओवल बन गया, ये तो एच कोमा के है, रेडियस दे रखी है, तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। एच के हमें गिवन है, तो ये मेरा हो जाएगा एच, ये हो जाएगा के, ये रेडियस है ही है।
लगा दे फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, कुछ करना नहीं है, बड़ा ऐसा कुछ तीर मारना नहीं है। एक्स माइनस एच की जगह क्या है, ए कोस अल्फा प्लस वाई, ए की जगह क्या है माइनस ए साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर बताओ स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किस किस को नहीं आता है, इसको नहीं आता है भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है तो बड़े चलो कोई बात नहीं, तुम ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला लगेगा, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो वाला फॉर्मूला है ए माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, गजब के शेप बन रहे भैया। चलो अब क्या करना है मेरे को, फॉर्मूला लगाऊ, ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू ए की जगह एक्स, बी की जगह ए कोस अल्फा प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए कोस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस यहां पर भी लगेगा तो ये यहां पे लिखो, ए की जगह वाई का स्क्वायर प्लस माइनस टू वाई को अल्फा प्लस बी का स्क्वायर मतलब अरे यहाँ साइन है ना, यहाँ पे बी का स्क्वायर मतलब साइन अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रेडियस की जगह ए ही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस थोड़ा सा सिंपलीफाई करो एक्स अल्फा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई साइन अल्फा, यहां पर ए है यहां पर ए है प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये केवल बड़ा दिख रहा है, ये आसान है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाले पहले एक साथ ले लो प्लस वाई स्क्वायर ये प्लस का वाई, फिर एक्स वाले एक साथ ले लो टू ए एक्स कोस प्लस वाई वाले एक साथ ले लो माइनस टू ए वाई साइन अल्फा, फिर कॉन्स्टेंट एक साथ ले लो, कॉन्स्टेंट क्या है जिसमें एक्स और वाई नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर कोस अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये मैंने क्या लिया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म वाई स्क्वायर वाली टर्म एक्स वाली टर्म वाई वाली टर्म, ये कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट। अब देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई है, थोड़ा सा अगर आप होशियार हो तो आपको दिख गया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स कोस अल्फा माइनस टू ए वाई साइन अल्फा, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है और अंदर क्या बन रहा है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मेरे को बताओ एंगल सेम हो और ये फॉर्मूला बन रहा हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन, ये सब एज इट इज आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, छुप के मेरे पीछे, अरे देखो 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 क्या सर, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्या मेरे पास देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स कोस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ये आपका आ गया भैया स्ट्रेट सर्कल की इक्वेशन, ये आपका आ गया आंसर, गंदा सा बन गया ना, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है कर लोगे, कुछ नहीं किया है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की फिर सिंप्लीफाई किया है, थोड़ा सा लेंदी है इसलिए आप लोग छोड़ देते हो, छोड़ना नहीं है, कोशिश करनी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताओ, और समझ में आ गया हो तो सर थम्स अप लिखो, अच्छा लिखो, बेहतर लिखो, मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी पढ़ाने में मजा आवे, ऐसा कुछ लिखो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। अब थोड़ा जो टफ वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्कल के। ठीक है, चलिए बाय, ओके, थैंक यू।